हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी आप सबके? ठीक ठाक ही। थोड़ा सा स्वेटिंग हुई भी है क्योंकि मैं ज़रा क्या करूँ, आज लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हाल चाल है जी आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जनाब, देश संकट में है। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसका था कि मेरा देश बदल रहा है, और यहाँ पे है कि देश संकट में है। तो स्टार्ट करते हैं फिर कोई बात करेंगे। 3, 2, 1 इन गो। तो क्या हाल है? वेलकम टू द अदर एपिसोड ऑफ देश संकट में है। भैया देश संकट में क्यों नहीं होगा, जहाँ की सारी सुंदर लड़कियाँ इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रही हैं। तो ये संकट कैसे होगा? तो ये कहना चाहिए कि लड़के संकट में। और दूसरी तरफ लॉन्डो पे अपनी चड्डी नहीं संभाली जा रही। भाई क्या हो गया? हाँ भाई क्या हो गया? हेलो, अरे तुझे कह रहा यार। अबे दोस्त बता ना क्या हो गया? अबे क्या करोगे तुम जिंदगी में? तुम पर चड्डी तो संभाली नहीं जा रही। चड्डी का ना जिंदगी में बहुत पंगा भाई साहब, संभाल के रखनी पड़ती है। अब जैसे कि ये भाई पार्क में लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा हुआ है। ओ बेटे, बेटा अगर तेरी चड्डी उतर गई होती तो तेरा काला हिरन देख के उसके मुंह पे मायूसी छा गई होती। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? भैया ऐसी हरकतों से लड़कियां से फिल्मों में पटती हैं। तो आज हम ऐसे ही चटपटी और मनोरंजक वीडियोज का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले तो बात करेंगे सबसे पहले अपने देश के युवाओं की, जिनके लिए अब जॉब बड़ा मुद्दा है ही नहीं, गर्लफ्रेंड बड़ा मुद्दा है, और उसको पाने के लिए वो किसी भी सबसे बड़ा मसला जॉब ही है। जॉब होगी तो गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। बता, भीख भी मांग रहा है तो किस चीज की? अबे इतने बुरे दिन आ गए क्या लॉन्डो के कि गर्लफ्रेंड भी भीख मांग के लेनी पड़ रही है? ये लॉन्डो पक्का बॉयज स्कूल का भाई साहब, क्योंकि बॉयज स्कूल के लॉन्डो को ही पता है कि लड़कियों में खुशबू होती है। देखो यार, लड़कों के साथ ना हमेशा से गलत होता आया है। अब जिनकी गर्लफ्रेंड बन गई है वो तो भाई मजे काट रहे हैं, पर जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है कभी उनके बारे में सोचा है कि वो अपना वक्त कैसे बिताते होंगे? काय के सोचोगे, अब जो दोस्तों के साथ है उनकी ऐसी हरकतें मिलेंगी। बता, मुर्गा बना के पेड़ पे लटका गया, अब ये ना उतरने का रहा ना चढ़ने का रहा, चिपका रहा बेटा चिपका रहा है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, तो अगर लाइफ में लड़की होती है ना तो लौंडे काबू में रहते हैं, वरना भाई साहब वे ऐसी हरकत करते मिलेंगे। बात क्यों गया साले, हक के ही चला जा। सामने वाले को तो यही लग रहा होगा ना कि देखो अब रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट उड़ेगा। रॉकेट तो उसने क्या उड़ाया, उल्टा सामने वाले के नाक के बाल और जला दिए। क्या हो रहा है? अबे खाली पीली ऐसी हरकतें कर रहे हैं यार ये लोग। चींटियों को भी नहीं छोड़ा। बताओ इस छुछुंदर को कोई नहीं मिला तो साला चींटी से मजाक कर रहा। पहले उसको बिस्कुट के टुकड़े का लालच दिया, जब वो अपने भाई बंधुओं को ले आया तो टुकड़ा गाया। क्या हो रहा है? अब बेचारी चींटी को क्या पता इस दुनिया में कैसे कैसे कुलंडी भरे पड़े हैं। अरे तुम स्कूल के लॉन्डो को ही ले लो, पढ़ने लिखने की उम्र में साले क्या हरकतें कर रहे हैं। कोई भविष्य है इनका? है फिर ये बोलते हैं कि भाई साहब गर्लफ्रेंड नहीं पटी। अबे ऐसी हरकतें रहेंगी तो बेटा कभी जिंदगी में नहीं पटने वाली। मुन्ना भैया एकदम सही कहते थे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो, देश को संभाल। अब हम आगे, लोगों की जिंदगी में कितना तगड़ा कंपटीशन है तुम्हें पता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बनाने की फील्ड हो या फिर रोटी कमाने की। अब जैसे कि इस सीन में आप देखिए, ये भाई हमारा भरी दोपहरी में मक्खियां मार रहा है, कारण बगल में एक सुंदर कन्या दुकान लगाकर खड़ी है, बस और कोई रीजन नहीं है। क्या हमारा भाई खराब मोमोज बनाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक्स्ट्रा चटनी और देगा, परंतु भीड़ कहाँ पर है जहाँ पर कन्या। मैं बता रहा हूँ बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, साले लौंडे हो कि लौंडो का साथ नहीं दे रहे हो तुम। न्याय करो, तुम न्याय करो। तुम लड़कों के साथ ना हमेशा से गलत हो रहा भाई साहब। अबे इतनी वेटिंग तो रेलवे में नहीं होती जितनी साले लड़की के पीछे होती है आजकल। अबे लौंडे दूसरों की बंदियों को लेके घूम रहे हैं यार। नमस्ते दोस्तों, मैं आज सीपी आया हूँ और आप पीछे देख सकते हो गर्लफ्रेंड है किसी और की, मेरी नहीं है, होगी किसी की, मुझे क्या मतलब इस बात से, हम तो बस कॉफी पीने आए हैं। ये पक्का साला इसका बेस्ट फ्रेंड होगा, ये सारे सारे के सारे बेस्ट फ्रेंड एक ही प्रजाति के होते हैं। बता, दूसरे भैया गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, शर्म नहीं आए हैं? तुझे? और लड़कियां भी कहां समझ पा रही हैं यार हम लौंडों को। तुम चाहे कितने भी शरीफ हो, लड़कियों को समझना तो वही है ना जो समझना वो चाहती हैं। अब जैसे कि ये क्लिप, अब आप बताओ इस क्लिप में भाई की क्या गलती? एक्सक्यूज मी मैम, पैर उठाओगे, जरा फोटो लेनी है।
अरे उसे सच में नीचे गिरी हुई फोटो लेनी थी भाई, फेल के चली गई। तारीफों का जमाना रह नहीं गया है अब। साले तू अब सच बोलो ना, लड़के लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं और जागरूकता भरे काम भी कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोग अजीब अजीब इन्वेंशन भी कर देते हैं। अब तुम बताओ ये क्या इन्वेंशन है? कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं। ऐसे एक भाई ने एटीएम से पैसा निकालने का नायाब तरीका खोज लिया। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, उसका पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत है पैसा निकालने की, तो इस ट्रिक से आपका पैसा पूरा निकल जाएगा। लोगों का कितना दिमाग चल रहा है भाई साहब, जेसीबी खरीद लो बहुत कम आएगी। अब तो लड़के लोग कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब, कहीं भी बकचोदी कर रहे हैं। अब जैसे कि ये क्लिप, लड़कियां कितने प्यार से एंजॉय कर रही हैं, परंतु पर्दे के पीछे क्या खेला चल रहा है ये इन पापा की परियों को पता ही नहीं है। फिर लड़कियां बोल रही हैं कि बीच बीच में पानी गरम आ रहा है। गरम तो आएगा ही, और मैं इस लौंडे से बोलता हूँ मुंह क्यों रहा साला, हगी दे। फिर बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, क्या हो रहा है? और लड़की लोगों का क्या बोलूं मैं, वो तो आजकल सर पे कफन बांध के चल रही हैं। मैं तुमको आज एक सही सलाह दे रहा हूँ, अगर लड़की स्कूटी पर निकली है तो थोड़ा ना डिस्टेंस बना के रखना। भैया लेफ्ट राइट कुछ नहीं देख रही लड़कियां, बस बैठती हैं और चल देती हैं। अबे कौन ड्राइविंग सिखा रहा है यार इनको? अगर इसकी गलती से टक्कर हो जाती तो गलती लड़के की होती। न्याय करो, तुम न्याय करो। भैया मैं सच बता रहा हूँ, अब लड़के लोगों ने रिस्क लेना ही कम कर दिया है। अगर कहीं स्कूटी से लड़की दूर दिख जाए ना लौंडों को, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर ही क्यों ना हो, छोड़ के भाग जाएगा भाई साहब। ऐसे सीन कह रहे यार जैसे कुत्ता देख के लोग रास्ता बदल लेते हैं। रिस्क नहीं लेने का है बाबा, खौफ देख रहे हो लड़कियों का? बाकी ऐसी बकचोदियां तो और भी मिलेंगी, उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे पाठशाला में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबा का औसल। हाँ जी, तो हम बात करते हैं वीडियो की। वीडियो अच्छा था यार, बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अच्छा वीडियो था। और स्पॉन्सर थोड़ा लंबा था इस वीडियो में ना, मतलब इतनी बड़ी ये वीडियो नहीं थी जितना बड़ा इसमें स्पॉन्सर था, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, भाई ने पैसे कमाने हैं और भाई का चैनल चल रहा है, तो हमें भी इस चीज़ सपोर्ट करें। बाकी एक बात तो ठीक है जनाब, कि आजकल लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, लोग जॉब के बजाय लड़की ढूंढ रहे हैं, और जिसके पास लड़की है वो कुछ और ढूंढ रहा है। मतलब अजीब ही हवा चल रही है कि नहीं ऐसे? और क्या कहें हम, बहुत कुछ तो भाई ने खुद ही कह दिया। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, तरह तरह की वीडियोस भेजिएगा, और जनाब अपने अपने देश को संकट से बचाइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।